सो फाइनली गाइस एडवांस सर्वर आ चुका है और इस बार के एनिवर्सरी में सबसे पहले तो हम लोग को दो दो मैजिक क्यूब बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, अभी तो बहुत मजा आएगा क्योंकि बात करेंगे 7 एनिवर्सरी के कैलेंडर के बारे में और हमारा 7 एनिवर्सरी इवेंट कब से स्टार्ट हो रहा है इसका भी डेट आज के वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। ये हुई ना बात। और 7 एनिवर्सरी स्पेशल पिंक डायमंड शो रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा आप सभी का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा है, तो आज की वीडियो में चिंता मत करो, सब कुछ बताऊंगा कि पिंक डायमंड शो आएगा कि नहीं आएगा। अरे सबर करो, अभी सब कुछ बताऊंगा। साथ ही अपडेट आने के बाद हमारा गेम का साइज भी बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, तो कितना होने वाला है गेम का साइज अपडेट आने के बाद ये भी आज ही की वीडियो में आपको बताऊंगा। इतना नहीं यार, एनिवर्सरी में कौन सा फ्री बंडल मिलेगा, कौन सा पेड बंडल आएगा, एनिवर्सरी इवेंट में टोकन कौन से यूज होने वाले हैं, सब कुछ आपको वीडियो में आज पता चलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछले वीडियो के गिव अवे विनर आज शाम की वीडियो में अनाउंस होने वाले हैं, तो शाम का वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। और जिन्होंने अभी तक हमारा तनिष्कोपी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों आप लोग हमारा न्यू चैनल सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही 1K मेंबर कंप्लीट होने वाले हैं आप सभी के लिए इसमें भी 1000 डायमंड का गिव अवे आने वाला है, तो जरूर से जाकर के न्यू चैनल को सपोर्ट करो, आप सभी के फेवरेट टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो आने वाले हैं। ओके, तो चलो यार जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे हमारे गेम में आने वाले एक न्यू अराइवल एनिमेशन के बारे में जो कि आप सभी को नेक्स्ट मोको स्टोर के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। बाहर के कुछ सर्वर में गाइस इस अराइवल एनिमेशन को जो है फेडेड व्हील के अंदर डाला गया है, लेकिन ये हमारे इंडिया के अंदर फेडेड व्हील में नहीं आने वाला है, ये आप सभी को मोको स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा जो कि 15 या 16 जून तक हमारे गेम के अंदर आने वाला है। इस एनिमेशन का नाम है दोस्तों बुलेट मास्टर और एनिमेशन यार लिटरली काफी ज्यादा अमेजिंग है, देख सकते हो भाई काफी खतरनाक आप लोग को यहाँ पे लुक वगैरह ये लोग दे रहे हैं। तो आप लोग को ये एंट्री एनिमेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी तो यार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में। सो आज रात ही दोस्तों हमारे गेम में एक नया फ्रेड व्हील आएगा जिसमें आप सभी को एक नया इमोट मिलने वाला है जो कि स्टार क्रैचर एकेडमी इमोट, जो कि आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ये वाला इमोट दोस्तों हमारा एक अभी एकेडमी थीम के जो बंडल आए हैं कल के दिन ही उसकी थीम पे ये वाला इमोट यहाँ पर डिजाइन किया गया है जो कि आप सभी को 8 जून को मिलने वाला है फिटेड व्हील के अंदर। और जो भी लोग 8 तारीख के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो किस किस ने ये वाला इमोट निकाल लिया है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नहीं बताऊंगा, आप सभी की मर्जी है, बताना चाहो तो बता देना। अपडेट आने के बाद दोस्तों एक नया चेंज हमारे गेम में आ रहा है, जो भी न्यू प्लेयर रहेंगे फ्री फायर के उनके लिए गाइस गरेना ये वाला चेंज लेकर आया है, जैसे उनको कोई एनिमी यहाँ पे मारता है तो यहाँ पे एक लोगो बन करके आने वाला है इंसान का कि यहाँ इस तरफ से फायर हो रहा है, क्योंकि यार आप लोग को पहले पता नहीं चल पाता है जो भी लोग न्यू आते हो कि कहाँ से गोलियां पड़ रही हैं, इसलिए गाइस इस चेंज को गरेना लेकर के आ रहा है। और आने वाले अपडेट के बाद गाइस यहाँ पे कुछ कैरेक्टर की स्किल स्किन को यहाँ पे चेंज किया जा रहा है। सो अपडेट से पहले गाइस जो हमारा स्काइलर है वो कुछ इस टाइप का यहाँ पे डांस वगैरह करता हुआ नजर आता है, लेकिन वो भी 45 अपडेट के बाद यहाँ पे इसका जो लुक है इसका जो डांस है वो यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा, इसका स्केल एनिमेशन कुछ इस टाइप का रहने वाला है। वैसे ही दोस्तों जो हमारा ओरियन करेक्टर है इसकी एबिलिटी में चेंजेस तो आएंगे ही, लेकिन इसकी स्किल स्किन को भी गरीना यहाँ पे चेंज करने वाला है। अभी गाइस जब आप लोग इसको यूज करते हो तो ये रेड कलर का हो जाता है, लेकिन अपडेट आने के बाद दोस्तों जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये येलो कलर का हो जाएगा। और ये चेंज भी मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोग को कैसा लगा दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं फ्री फायर इंडिया आने के बाद हमारी आईडी उसमें चलेगी कि नहीं, तो चलने वाली है, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और बात कर लेते हैं गेम के साइज की, अपडेट आने के बाद क्या गेम का साइज यहाँ पे चेंज होने वाला है, तो जी हाँ आप लोग ने एकदम सही सुना, अभी आप लोग कलेक्शन के अंदर बिना मतलब की चीजें जो है डाउनलोड करके रखे रहते हो, जो आप लोग यहाँ पे यूज नहीं भी कर रहे हो, गन स्किन यूज नहीं कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे बंडल वगैरह यूज नहीं कर रहे हो, फिर भी आप लोग ने उनको डाउनलोड करके रखा है, तो 15 या 20 दिन की गरेना लिमिट लगाने वाला है। अगर आप लोग 15 दिन तक कोई बंडल या फिर गन स्किन यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे गरेना क्लियर कैच के थ्रू इसको जो है अनडाउनलोड कर देगा, और वापस अगर आप लोग उसको यूज करना चाहते हो तो बस आप लोग जैसे नॉर्मली यहाँ पे बंडल वगैरह को डाउनलोड करते हो, तो ऐसे करके गाइस गरेना थोड़ा बहुत यहाँ पे जो गेम का साइज है वो कम करने वाला है। और हाँ, आप सभी के लिए एक और तगड़ी अपडेट है, अपडेट आने के बाद दोस्तों हमारे गेम में आप सभी को समर स्पेशल इवेंट भी देखने को मिलेगा जहाँ पे रिम नाम विलेज को
को गरीना काफी अच्छा डिजाइन करके डेकोरेट करेगा। इससे रिलेटेड गाइस हमारे गेम में एक रीइवेंट भी आने वाला है, जिसमें गाइस आप सभी को ये हमारे समर स्पेशल बंडल मिलने वाले हैं। ये तो भैया हमारे वेब इवेंट में ही आएंगे, डायमंड लगाने पड़ेंगे इसमें क्योंकि काफी तगड़े बंडल हैं। और इससे रिलेटेड गाइस हमारे गेम में एक लक रॉयल भी आने वाला है, जिसमें आप सभी शायद से गोल्ड से स्पिन वगैरह कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड नहीं रहेंगे। यहाँ पे जो पेड वाला इवेंट आएगा, इसमें गाइस आप लोग एक मेल बंडल मिल जाएगा, एक फीमेल बंडल मिलेगा, साथ ही यहाँ पे जो केले के पत्ते वाला सरबोर्ड है ना, वो आप सभी को इस वाले टोकन टावर नहीं भैया टोकन रिंग इवेंट में मिलने वाला है। सो आप लोगों को ये इवेंट कैसा लगा कमेंट में आप लोग मुझे जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, अपडेट आने के बाद हमारे गेम में काफी सारा कलेक्शन को गरीना ऐड करेगा, जैसे कि गाइस ये काफी सारी नई नई ग्लू वॉल निकल करके आ चुकी है। 7 एनिवर्सरी की ग्लू वॉल भी आप लोग इसके अंदर देख सकते हो। अपडेट आने के बाद गाइस हमारे गेम में कुछ न्यू म्यूजिक को गरीना ऐड करने वाला है, जैसे कि सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो वॉइस पैक वगैरह भी ऐड होने वाले हैं, और 7 एनिवर्सरी के स्पेशल साउंड तो रहेंगे ही रहेंगे। वॉइस पैक आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बता दिए है 4-5 वॉइस पैक, जिन जिनको पता है कमेंट में बता देना। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे न्यू इमोट्स के बारे में। सो यहाँ पे कुछ पुराने इमोट भी आए हैं, कुछ न्यू इमोट के भी गाइस गरीना यहाँ पे डिजाइन करने वाला है। इमोट रिव्यू कल या फिर परसों तक आप लोग को मैं कराने वाला हूँ, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। बात कर लेते हैं कुछ न्यू बंडल्स के बारे में। सो इनमें से गाइस आप लोग को 2 बंडल फ्री में मिलने वाले हैं, चलो कौन कौन से हैं वो भी आप लोग को दिखाता हूँ, बाकी आप लोग गेस करो कौन से वो बंडल हो सकते हैं। तो अभी आप लोग ये बंडल देख सकते हो, ये बंडल में से आप लोग को जो फीमेल बंडल है ये फ्री में मिलने वाला है, और जो मेल का बंडल आप लोग ने देखा वो भी शायद से हम लोग को फ्री में ही मिलने वाला है। सो आप लोग को मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, ये है गाइस एयर ड्रॉप का स्किन, जो कि 7 एनिवर्सरी स्पेशल डिजाइन किया गया है। कल की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका भी रिव्यू करा चुका हूं, तो कल का वीडियो एक बार देख लोगे तो समझ में आप सभी को आ जाएगा। बात करते हैं गेम में आने वाले सुपर हीरो इवेंट के बारे में, जो कि है गाइस 7 एनिवर्सरी स्पेशल इवेंट। यहाँ पे आप लोग को सुपर हीरोज की थीम पे गाइस कुछ नए नए बंडल मिलेंगे, जो कि एनिवर्सरी की थीम के बंडल रहेंगे। सबसे पहले ये बंडल देखो, ये बंडल आपको फ्री में मिलेगा, एंड जो पीछे वाला बंडल है वो बंडल आएगा दोस्तों पेड इवेंट के अंदर। और ये सुपर हीरो भैया हमारे 7 एनिवर्सरी का ही नेम रहने वाला है, और ये बात अभी तक किसी को पता ही नहीं है, तुम्हारे भाई ने पहले ही बता दिया था। बात करते हैं फ्री पैरासूट स्किन के बारे में, तो 7 एनिवर्सरी में दोस्तों ये वाले जो पैरासूट की स्किन है ये आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाली है। इसके बाद गाइस हम लोग को और भी कुछ रिवॉर्ड फ्री में मिलेंगे, तो चलो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ। सेकंड नंबर पे गाइस यहाँ पे एक सरबोर्ड की स्किन निकल करके आ रही है, जो कि 7 एनिवर्सरी स्पेशल सरबोर्ड है। ये भी दोस्तों आप लोग को गरीना फ्री में दे सकता है। यहाँ पे 2-3 सरबोर्ड है, इनमें से 2 में से एक तो आपको फ्री में मिलने ही वाली है। तो ये देखो 7 एनिवर्सरी में आप लोग को ये वाली सरबोर्ड भी गरीना ला करके देने वाला है। 2 पैरासूट है भैया, 2 सरबोर्ड है, और यहाँ पे एक लूट बॉक्स भी है। ये देखो 7 एनिवर्सरी स्पेशल लूट बॉक्स भी निकल करके आ चुका है, जो कि ये सारे रिवॉर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे रिवॉर्ड 7 एनिवर्सरी में आपको फ्री में मिलने वाले हैं। तो अभी तो और बात करेंगे 7 एनिवर्सरी के स्पेशल टोकन के बारे में, जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी हमारे गेम में और भी काफी सारे इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे फ्लैश बैक टोकन यानी कि हमारा पीक इवेंट जो आने वाला है उसका टोकन भी मिल रहा है, साथ ही आप लोग को मास्टर माइंड टोकन यहाँ पे मिल रहा है, इसका भी एक अलग से गेम में वेब इवेंट आपको देखने को मिलेगा या फिर रिंग इवेंट यहाँ पे आने वाला है। एंड हाँ, आप सभी को आने वाले अपडेट के अंदर डेमोन स्लेयर के जो आइटम्स हैं वो भी गरीना रिटर्न में ला करके देने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंस्यूक बंडल आया था उसका भी टोकन यहाँ पे गरीना ने गेम में ऐड कर दिया है। टोकन तंजीरो बंडल का भी भैया यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। सो यहाँ पे डेमोन स्लेयर के काफी सारे आइटम आप सभी को आने वाले अपडेट में रिटर्न देखने को मिलेंगे। सुपर हीरोज टोकन देख लीजिए, ये है गाइस मिक्स वाला, जो कि आप सभी को 7 एनिवर्सरी का स्पेशल टोकन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे और भी काफी सारे इवेंट के आप सभी को टोकन वगैरह मिल रहे हैं। सो अपडेट के बाद ये सारे इवेंट आने वाले हैं। 7 एनिवर्सरी स्पेशल टोकन देख लीजिए, यहाँ पे गए जो एनिवर्सरी टोकन है इसका नाम रहेगा सेलिब्रेशन टोकन, साथ ही यहाँ पे आप लोग को 7th करके यहाँ पे टोकन भी मिलने वाले हैं। सो 7 एनिवर्सरी में दोस्तों काफी सारे इवेंट आएंगे, तो 4-5 टोकन रहेंगे 7 एनिवर्सरी स्पेशल। और इस बार के एनिवर्सरी में आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मैजिक क्यूब मिलने वाला है, जिसके बारे में आपको ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। और इस बार के एनिवर्सरी अपडेट में गाइस बहुत सारे बंडल को गरीना ऐड करेगा, जहां पे आप लोग जिसको भी चाहो उसको आप लोग ले पाओगे। तो कुछ इस टाइप से गाइस आप लोग को एक्सचेंज इवेंट मिलने वाला है, जहां पे आप लोग को लगभग 30-40 बंडल गरीना एक ही साथ ला करके स्टोर के अंदर दे देगा। जिस भी बंडल को आप लोग अपडेट करना चाहो अपडेट कर सकते हो, अगर डायरेक्टली स्टोर में नहीं आता है तो अलग से एक एक्सचेंज इवेंट लेकर के आएगा, जिसके थ्रू जो है आप लोग यहाँ पे न्यू बंडल को मैजिक क्यूब से एक्सचेंज कर पाओगे। आप लोग बताना आप लोग कौन सा वाला बंडल जो है 7 एनिवर्सरी स्पेशल में
मैजिक क्यूब स्टोर में अपडेट चाहते हो फटाफट मुझे कमेंट में बता देना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, इधर तक देख रहे हो भैया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मुझे पता है अपडेट मैंने आप लोग को बहुत ही तगड़ी तगड़ी दे दी है। तो लाइक करके सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बात कर लेते हैं पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न के बारे में। सो आप सभी को बता दूं, इस बार के एनिवर्सरी में दोस्तों आप लोग को जो हमारा पिंक डायमंड स्टोर है ये जरूर 100% कन्फर्म नहीं भैया 200% कन्फर्म रिटर्न देखने के लिए मिलने वाला है। अलग अलग सर्वर में गए उसके हिसाब से रेयर रिवॉर्ड नहीं भैया सस्ते सस्ते रिवॉर्ड यहाँ पे गरीना डालेगा। यहाँ पे देखो फिस्ट की स्किन भी डाली गई है, ग्लू वॉल का स्किन भी है, इमोट वगैरह भी डाले गए हैं। तो कुछ इस टाइप से गाइस हमारे गेम के अंदर भी गरीना आइटम ऐड करेगा, लेकिन यहाँ पे जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, ये आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बाकी अगर बात करें हमारा 7 एनिवर्सरी इवेंट कब से स्टार्ट होगा, तो 6 या फिर 8 जून से हमारा 7 एनिवर्सरी का इवेंट स्टार्ट होने वाला है और अगस्त के महीने में पिंक डायमंड स्टोर रिटर्न आने वाला है। और बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग 7 एनिवर्सरी स्पेशल क्रिमिनल बंडल, आर्टिक ब्लू बंडल, गोल्डन सेट बंडल, समुराई बंडल और बनी बंडल के बारे में। सो ये सारे बंडल गरीना रिटर्न में ला करके देने वाला है, क्योंकि जो वोटिंग निकल करके आई है दोस्तों इसमें यहाँ पे क्रिमिनल बंडल के ऊपर काफी ज्यादा वोट्स आए हैं। तो दोस्तों न्यू अपडेट आने के बाद जो है गरीना आप सभी को क्रिमिनल बंडल एंड और भी काफी सारे बंडल यहाँ पे रिटर्न में ला करके दे सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस बार आप लोग को एनिवर्सरी विश इवेंट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर गए जितने भी आप सभी के डिमांडेड बंडल हैं वो सारे के सारे गरीना आप सभी को रिटर्न में ला करके देने वाला है। बाकी अगर बात करें टोकन टावर इवेंट आएगा या फिर टोकन रिंग आएगा, तो देखो यार जब भी हमारे गेम में कोई मेगा इवेंट आता है तो टोकन टावर या फिर टोकन रिंग में गरीना ज्यादा फोकस नहीं करता है, वो एनिवर्सरी विश टाइप के इवेंट में ज्यादा फोकस करता है। जैसे कि अभी दिवाली कार्निवल इवेंट आया था वैसे ही दोस्तों आप सभी को एनिवर्सरी कार्निवल या फिर आप सभी को एनिवर्सरी विश इवेंट देखने के लिए मिलने वाला है, जिसके अंदर क्रिमिनल बंडल के साथ साथ गोल्डन सेट बंडल एंड और भी काफी सारे बंडल वगैरह आपको रिटर्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं इस बार आप लोग को मंथली मेंबरशिप में डिस्काउंट देखने को मिलेगा या फिर नहीं, तो 5th एनिवर्सरी के बाद दोस्तों मंथली मेंबरशिप में डिस्काउंट आया ही नहीं है। सो अगर गरीना का मन करेगा तो गरीना आप सभी को मंथली मेंबरशिप के अंदर जो है डिस्काउंट ला करके देने वाला है। बाकी 7th एनिवर्सरी में जो भी बंडल फीमेल बंडल जो भी रिवॉर्ड्स वगैरह हैं जो भी फ्री में मिलने वाले हैं सब कुछ आपको मैंने रिव्यू करा दिया है, और भी जैसे जैसे अपडेट आती जाएंगी तुम्हारा भाई सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करता जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करते रहो, फटाफट वीडियो को लाइक करके शेयर वगैरह कर दो। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।